जिंदगी में आपको क्या मिलता है इसकी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता, अच्छे हालात या बुरे हालात। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी के दिए हुए हालातों को कैसे फेस करते हैं। सक्सेसफुल लोग बुरे से बुरे हालातों को भी गिफ्ट समझते हैं। बहुत बार आपके बुरे हालात आपको ऐसा पॉलिश कर देते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। आज आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो कोशिश करते हैं कि जापान मेड हो। आप तो क्या, अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें बेचता है लेकिन खुद जापान की चीज़ें यूज़ करता है। चाइना की चीज़ें पूरी दुनिया में जाती हैं लेकिन चाइना खुद जापान की चीज़ें यूज़ करता है। जर्मनी भी ज़्यादातर जापानीज चीज़ें यूज़ करता है। जापान इस लेवल तक कभी भी ना पहुंचता अगर उसके साथ ये इंसिडेंट ना हुआ होता। 6 अगस्त 1945, 8:15 पर जापान पर पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, उसके दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी। जापानीज के लिए वो दिन किसी कयामत से कम नहीं था और इस इंसिडेंट ने जापानीज को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने जापानीज के साथ एक इम्पॉर्टेंट डील साइन की कि आप अपनी कोई भी आर्मी नहीं बनाएंगे, आपको प्रोटेक्शन अमेरिकन आर्मी देगी। बेसिकली जापानीज के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था, इसलिए वो साथ वाली कंट्रीज पर हमले करके उनसे उनकी चीज़ें चुरा लेते थे। जापानीज काफ़ी बहादुर थे लेकिन जब अमेरिका से पंगा लिया तो अमेरिका ने पहली बार इन पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। अमेरिका से डील के बाद जापानीज सोचने लग गए कि अब क्या किया जाए, आर्मी तो रन नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने अपना सारा फोकस एजुकेशन में लगा दिया, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को सीखने लग गए। उन्होंने इस मायूसी के साथ अपनी आगे की जिंदगी नहीं गुजारी कि हम पर ही क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, और भी तो कंट्रीज है थी, हमारी ही किस्मत क्यों खराब थी। बल्कि वो उठे और साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना नाम पैदा कर लिया कि आज उनकी चीज़ों का शुमार वर्ल्ड बेस्ट आइटम्स में होता है। सो दोस्तों, हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, उनसे डरना नहीं है बल्कि उनका मुकाबला करना है। वो कहते हैं ना, हालात की एक ज़र्ब ने सूरत ही बदल दी, मुझसे मेरी पुरानी सूरत अब ज़रा भी नहीं मिलती। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।